नमस्कार दोस्तों, मैं करण, आई वेलकम यू इन माय शो मैड इन इंडिया। दरअसल आज मैं अपने घर से अपनी कार में ऑफिस के लिए आ रहा था और ट्रैफिक की रेड लाइट पर दो भाई साहब आपस में गुथ गए और एक भाई साहब ने दूसरे भाई साहब के सर पे हेलमेट दे मारा। मामला काफ़ी गंभीर था, चोटें दोनों तरफ आई थीं और उनमें से एक भाई साहब को मैं अपने साथ स्टूडियो ले आया। और ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने दूसरे भाई साहब के सर पे हेलमेट मारा। और क्या आप अपना चश्मा उतार के बात करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने उस आदमी को हेलमेट कैसे मारा? एक मिनट, क्या बदतमीजी है ये? आराम से बैठिए। तूने मुझे कैसे मारा? मुझे लगा तुम पूछ रहा है कि कौन से स्टाइल से मारा। सॉरी। क्या ये चोट लड़ाई में लगी आपको? नहीं, कटरीना कैफ को मिल के आ रहा हूँ, उसने चुम्मियाँ दी हैं। अभी तो था नहीं वहाँ पे गोलगप्पे। मतलब मैं ये मान लूँ कि आपको इस शो पे बुला के मैंने गलती की? तूने गलती की है या कोई सही काम किया है? आप इतने तपे हुए क्यों हैं? तपे हुए क्या? बाहर गर्मी दिखी है कितने? हाँ जी। अरे 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 20-20 मिनट रेड लाइट में खड़े होके पैंट जल गया मेरे नीचे से। हाँ, पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी, बाहर निकालने के लिए फेफड़े बाहर आ गए मुझसे। तब क्या तुम्हें क्या है? यहाँ इसी में बैठे हो मस्त गाल बजा रहे हो, तुमको क्या पता है? बाहर हम लोग जल रहे हैं बाइक में, अंडे की तरह उबल रहे हैं, अंडे की तरह। अंडे की तरह ही क्यों कहा आपने? 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर कभी रेड लाइट पर खड़ा हुआ है? हाँ नहीं हुआ है? नहीं। तो जलती है गरम सीट पर जब बैठेगा तो पता चलेगा कि मैंने अंडे ही क्यों बोला। खैर खैर, जाने दीजिए। मुझे बताइए कि आपने उस आदमी के सर पर हेलमेट क्यों मारा? देख भाई, मैं अपने अलग समस्याओं से जूझ रहा हूँ। हाँ, वो बस इतनी गर्मी भाई, क्या गर्मी, और सड़कों का तारकोल पिघल के पैरों को ऐसे पकड़ लिए, ऐसे कि एक भी इंच ट्रैफिक में इधर जा रहे नहीं, इधर जा रहे नहीं, इधर जा रहे। इतने गर्मी में रे सर का पसीना कच्छा के अंदर गंगा जमुना बाहर आ रहा, गंगा जमुना इस टैंक से, एक इस टैंक से। ऐसी परेशानी में, ऐसी सिचुएशन में एक गधे से शक्ल के आदमी ने बस के अंदर से अपनी मुंडी बाहर निकाली और मेरे मुंह पर थूक दिया। मुंह पर थूक दिया साला ने। मैंने भी आओ देखो ना, तब मैंने उठाया और मार दिया साले के सर पर। गलती है उसकी, बस गलती। अबे महा बेवकूफी है, बदतमीजी है, बदसलूकी है। मुझे लगता है तू भी सर को थूकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं एक सभ्य आदमी हूं और अपने देश को अपना घर समझता हूं। जैसे मैं अपने घर के आंगन में नहीं थूक सकता तो सड़कों पे कैसे थूक सकता हूं मैं? तो आप बताइए मुझे, इस परेशानी का क्या समाधान है? समाधान? ये काम भी मेरा है क्या? ये काम मेरा तो सरकार क्या करेगी? मेरे खुद की इतनी समस्या है, मैं अपनी समस्या समझाऊं या ये समस्या समझाऊं? अरे मैं खुद की समस्या से इतना परेशान हूं, मैं क्या समाधान करूंगा? वो छोड़, मुझे ये बता तू मुझे यहां पकड़ के क्यों लाया? आपका इंटरव्यू करने के लिए। इंटरव्यू लेने के लिए? मैं कोई ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं जो मेरा इंटरव्यू लेने आया? देखिए, ये डेमोक्रेसी है, यहां पे दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सेवा देते हैं,
जैसे कि नेता, ब्यूरोक्रेट्स, एक वो जो सेवा लेते हैं, जैसे कि आप और मैं, इस देश की जनता। जो लोग सेवा देते हैं उनका इंटरव्यू बड़े बड़े चैनल्स करते हैं, और आप जैसे लोगों के लिए हमारा ये चैनल है। कौन देखता है तेरा ये चैनल? मानता हूं कि अभी हमारा शो कोई नहीं देखता, मगर एक समय आएगा जब लोग इस शो को देखेंगे भी और खूब पसंद भी करेंगे। कोई नहीं देखने वाला, टाइम वेस्ट कर रहा तू अपना। आप मुझे टाइम वेस्ट करने दीजिए। अभी आप बता रहे थे कि आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या है आपकी समस्या? ट्रैफिक, ट्रैफिक है मेरी समस्या। ट्रैफिक? हाँ। कैसे? कैसे? अरे मैं जब भी सबवे के फ्लाईओवर से जाता हूँ, 50 बाइक, कार, मोटर गाड़ियां लेके लोग खड़े रहते, वहीं के वहीं खड़े रहते, ना इधर जाते ना उधर जाते। मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि ये कहीं पर जाते क्यों नहीं है, वहीं खड़े रहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, जिन गाड़ियों को आप देखते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होते ही चली जाती हैं और फिर नई गाड़ियां 50-100 की मात्रा में आके दोबारा खड़ी हो जाती हैं। अरे कहीं नहीं जाते, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। मैंने किसी बार देखा है, वहीं खड़े रहते हैं लोग। देखिए वहां पे थोड़ी सी जाम की समस्या है, सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। देखिए ऐसी बात नहीं है, जाम की समस्या है और सरकार इससे लगातार ठीक करने के लिए प्रयास कर रही है। पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं, तुझे पता है ये मेरे बाल ऐसे क्यों है? क्यों है ऐसे बाल? पता नहीं, हो सकता है आपका हेयर स्टाइल हो। मच्छर, मकड़ी, कीड़े घुस जाते हैं, कितनी परेशानी होती है मुझे पता है। देख मैं गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर पे बाइक पर जाता हूं, 20-20 मिनट रेड लाइट पर फंसता हूं। गर्मी में टेम्परेचर में मेरे बाल गर्म होकर पिघल के मुड़ गए, जैसे गर्म होकर लोहे की रोड मुड़ जाती है, समझो ऐसे हो गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे तुझे पता नहीं है क्या श्रीलंका में कितनी गर्मी पड़ती है? श्रीलंका में गर्मी पड़ती है इसीलिए मलिंगा के भी माल गर्मी से पिघल के मुड़ गए, इतनी गर्मी है। मैं नहीं मानता, ये बातें बेबुनियाद हैं। आप ट्रैफिक में गाड़ी चलाते वक्त अपना हेलमेट पहने और सुरक्षित रहें और चलाएं गाड़ी। एक बात बता, तो गधा तो नहीं है? आदमी की शक्ल में गधा? आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप बकवास है? तू कभी 48 डिग्री के टेम्परेचर में रेड लाइट पर खड़े होके हेलमेट लगाने से गधा जैसे सीने आते हैं? गधा जैसे कौन गधा लगाएगा? मत करता है मुझसे। अच्छा सुन, अब तू वो सब छोड़ दे, मुझे ये बता तुझे कुछ और पूछना बाकी है या मैं जाऊं? नहीं, मेरा आखिरी सवाल, एज ए सिटीजन गर्मी से और ट्रैफिक से बचने का कोई सुझाव अगर आपके पास है तो हमें बताएं। तू को वाली बात से कतरा गए तू? इसका मतलब तू ही थूकता है, उसी बात में नहीं आ रहा तू? चलिए आप थूकने वाली बात पे ही बात कर लीजिए। देख भाई ऐसा है कि गर्मी की तो ऐसी है कि तू क्या, तेरा फुफा भी गर्मी को कम नहीं कर सकता है। और रही बात ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक में तो बेटा रेड लाइट में 2-4 घंटे 5 घंटे खड़े ही रहो।
खड़े रहो। और थूकना? बताया मैंने तुझे, अगर ऐसे टेम्परेचर में गर्मी धूप में सड़क पे कोई थूक दे तो बस उठाओ हेलमेट मार दो। एक मिनट, क्या बदतमीजी है ये? अरे यही कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आपको जैसा समझ में आए वैसा कीजिए, लेकिन किसी के सर पे हेलमेट मारना कानूनन गलत है। अच्छा, और वो सही है जो दूसरों के मुंह पे थूक रहे हैं या मत थूक रहे हैं, लोगों की सड़क खराब कर रहे हैं, वो सही है? आप अपनी बकवास बंद करें, हमें हमारा शो यहीं बंद करना पड़ेगा। नमस्कार।